आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपको बहुत स्वागत है। आरटीओ बन जाओ, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में काम करने लगो, इतना पैसा कमाओगे कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा, फिर जेल जाओगे। मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये जो मकान देख रहे हो ना, कोई फाइव स्टार होटल नहीं है, ये मकान है। मतलब मैं तो खैर बता ही दिया, ये मकान देख रहे हो, ये कहाँ से आया इतना बड़ा मकान। एक आम इंसान का जो जीवन होता है, अगर वो सरकारी जॉब में है तो ये मकान तो रिटायरमेंट के बाद शायद ही बनवा पाए ऐसा, अगर आप IAS IPS नहीं हो। ये मकान बनाया है जबलपुर के एक RTO ऑफिसर ने, जिसका नाम है संतोष पॉल, जो कि ARTO है, और लेखा पॉल जो उनकी वाइफ है वो क्लर्क है उसी ऑफिस में। मस्त मकान बनाया है, और पता चला है ये जब इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने रेड मारी है। हिल गई इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ऊपर से नीचे तक, रेड काफी मारी है MP में, राजस्थान में, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में। एक सीनियर क्लर्क है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, आय से ज्यादा संपत्ति, क्या नाम था उसका, सोनवानी केसरी कुछ ऐसे, हीरो सोनवानी कुछ ऐसे ही करके नाम था उसका, ठीक है। उसके बाद एक पन्ना लाल, वो भी शायद एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करता है वो, है ना। एकड़ों की जमीनें, समझ रहे हो, एक सरकारी ऑफिस में काम करने वाला इंसान, इतनी ज्यादा संपत्ति, इतना पैसा। मैं बताता हूं क्या क्या मिला, 6 घर मिला है, जिसमें एक तो 10,000 स्क्वायर फीट का, ये 3 मंजिल जबलपुर के शताब्दीपुरम, जो कि बहुत ही पॉश एरिया माना जाता है, उसमें गार्डन से लेकर मिनी थिएटर तक PCS होता है। 65,000 रुपए सैलरी है ARTO की, 650 गुना ज्यादा संपत्ति मिली है। जैसे ही रेड की भनक पड़ी निकल गई है, ऐसा बोला जा रहा है कि जैसे इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की इनको पता चल गया कि रेड मारी जाने वाली है, तो इन्होंने ना अपना सामान शिफ्ट करना शुरू कर दिया था, और ये इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को पता चला, तो अभी बुधवार को इन्होंने रेड मारी, और उसके बाद तो सब हिल गया कि भाई यार इतना पैसा है इस सब पे, इतना कुछ, और अभी धर लिए गए और बाकी ठिकानों पर रेड मारी जा रही है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि क्या क्या इनके पास मिला है, ठीक है। इनके पास से अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो गौरी घाट में 1247 वर्ग फीट का मकान मिला है, शंकर शाह वार्ड में 1150 वर्ग फीट का, स्क्वायर फीट का, 1150 स्क्वायर फीट का मकान मिला। यहाँ एक मकान, यार मैं अभी तक किराए पर रह रहा हूँ, एक मकान में हालत खराब हो रही है ना, यहाँ 10-10, 15-15 मकान बनाए घूम रहे। शताब्दीपुरम में 10,000 स्क्वायर फीट का बंगला, इसमें झूमर, गार्डन, मिनी थिएटर, स्विमिंग पूल, बेसमेंट, लिफ्ट, समझ रहे हो, बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेसमैन फेल है। कस्तूरबा गांधी वार्ड में 570 स्क्वायर फीट का मकान, गाड़ा फाटक पे 771 वर्ग फीट का मकान, और चरंगवा रोड स्थित वहां पे 1.4 एकड़ का फार्म हाउस है। इतना पैसा, इतना, समझ रहे हो। स्कॉर्पियो मिली है, 2 कारें 2 बाइक्स मिली है, स्कॉर्पियो मिली है, और इसके बाद ये कौन सी कार है भाई, कार आई पता नहीं कौन सी है, पल्सर बाइक और बुलेट। तो ये सब कुछ मिला है इन जनाब क्या से। RTO आपको पता ही है, जो भी काम होता है रोड व्हीकल से रिलेटेड, वो RTO में ही होता है, चलती है, कमाई तो होती है, ऊपरी कमाई तगड़ी होती है ना। ऐसा बोला जा रहा है ARTO को राजनीतिक संरक्षण था, यही तो दिक्कत है, पैसा सब में बटता है। आपको क्या लगता है, अगर आप 100 रुपए ऊपरी कमाई दे रहे हो ना, 100 रुपए उसको दे रहे हो, दलाल जैसे RTO में आपको बहुत सारे दलाल मिलेंगे, अरे यार क्या है, ऐसे नहीं लाइसेंस बनेगा तुम्हारा। बताइए भ्रष्टाचार कितने चरम पे पहुंच गया है कि यहां पे ये बोला जा रहा है कि मतलब भाई ऐसे तुम्हारा लाइसेंस बन ही नहीं सकता। अरे यार क्यों नहीं बन सकता, मतलब कोई भी चीज आप नॉर्मल तरीके से जाओ तो ऐसा हम मान के चलते कि आपको पैसे खिलाने ही पड़ेंगे फिर। अरे यार तो वही वो कर दो ना नेसेसरी कि ऊपर से पैसे खिला दे रहे हम, तुमने फिर नॉर्मल प्रोसेस बना क्यों रखा है, ये करना है वो करना है, नहीं ऐसे 15-20 दिन 1 महीना लगेगा अटक जाए, ऊपर से कमाई दे दो 1,000-1,500 रुपए दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा जो 500 में होना था। वाह ये बढ़िया है, RTO में होता ही है, बहुत होता है, आप देखिए जाके RTO में, अगर आप देखो तो काफी दलाल है, हालांकि आप काफी ज्यादा नकेल कसी गई है, लेकिन है वहां पैसा होता है, और वो पैसा सब में बटता है ऊपर से लेकर नीचे तक। और आपको बता दूं
ऊपर वाले ऑफिसर में इतनी ताकत नहीं होती जितने नीचे वाले लोगों में होती है। बाबू से मिलना है ना, पैसे दो, क्लर्क, प्यून, ये सब बहुत इनके पास ताकत होती है। यस, इतना ज्यादा संपत्ति मिली है इनके पास से। भैया मिनी थिएटर आपको दिखाता हूं, ये देखिए पीवीआर पिक्चर, केजीएफ, केजीएफ टू है ना, और अभी और भी रेडिंग चल रही है, रेड चल रही है, मतलब 10,000 स्क्वायर फीट के मकान, 16 लाख कैश मिला है, 16 लाख रुपए कैश मिले हैं। ठीक है, तो यही है मकान यार, देखा मेरा भी दिमाग खराब हो गया, क्या मकान है यार, वाह, ड्रीम हाउस नहीं होता है कि आप, ड्रीम हाउस आपका ऐसा ही होना चाहिए, इस तरीके से इन्होंने काम किया है। एक सरकारी ऑफिसर, ठीक है, वो सही है कहावत कि भाई सरकारी सरकारी जॉब सरकारी जॉब, यही भ्रष्टाचार तंत्र, यही जो भ्रष्टाचारी तंत्र है ना, इसने हमारे पूरे पूरे देश को नीचे लेके जा रही है, यही, और इसमें सबकी मिली भगत है, सबको पैसा बंटता है। ठीक है, ये तो अच्छा है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, सीबीआई, ईडी, ये रेड मारते तो क्या गलत करते हैं, आप मुझे बताइए। ठीक है, भ्रष्टाचारियों की जगह जेल के पीछे होनी चाहिए, सही काम करो यार, अच्छा काम करो। मैं नहीं कह रहा हूं कि हर कोई ऐसा नहीं होता है, बहुत लोग ईमानदार भी होते हैं, लेकिन कभी कभी सिस्टम ही उसको खत्म कर देता है। बहुत लोग ईमानदार होते हैं तभी तो देश चल रहा है, ऐसे तो नहीं चलेगा, तो गड़बड़ है ही। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।